रहे हैं आप लोग, स्माइल करते रहिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है नवरात्रे, तो आप सभी को नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रे। माता रानी खूब सारी खुशियां दें आप लोगों को, हमको सबको खूब सारी ढेर भर भर झोली भर भर के खुशियां दें। हम लोग हमेशा ऐसे ही हंसी खुशी मुस्कुराते रहें, सब साथ साथ रहें, हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो ऐसे बनी रहे, बढ़ती रहे, हम लोग हमेशा साथ साथ हंसी खुशी रहें, स्माइल करते रहें। और अभी मैंने पूजा कर ली है, तो पूजा इस बार मतलब चौकी वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है घर में काम चल रहा है, तो अभी तो मिस्त्री का काम चल रहा है, तो मिस्त्री का काम नहीं पड़ जाए सारा, तो उसके बाद वाइट वॉश का काम लगेगा, पूरे घर में वाइट वॉश होगा, दरवाजे वगैरह खिड़कियाँ सारी पेंट होंगी, तो मतलब लेबर का, मिस्त्री का, पेंटर का, कारपेंटर का, सबका ही काम चल रहा है, तो एक कर एक सब आ रहे हैं काम करने हैं, तो इसीलिए मैंने माता जी की चौकी नहीं लगाई, क्योंकि चौकी लगाने से फिर वही होता है कि 9 दिन से पहले हम हटा नहीं सकते, इधर उधर नहीं करेंगे तो मतलब अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने चौकी नहीं लगाई। हर बार अच्छे से सजाती हूँ करती हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि वही 9 दिन के बीच में करेंगे लोग, तो फिर अभी मतलब ऐसे ही पूजा कर ली है, और कि अभी मतलब वही है वाइट वॉश का काम लगेगा, तो फिर मुझे इधर से उधर करना भी पड़ेगा, सब सामान इधर का उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, हटाना उठाना पड़ेगा, तो दिल से पूजा करनी चाहिए, मन से मानना चाहिए भगवान को। और बाकी तो ये है कि जितना करो उतना ही कम है, जितना अपने मन से कर लो उतना सही है। अभी आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, अभी काम चल ही रहा है इन लोगों का, तो सब लगा हुआ है, अभी कम से कम 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि घर में वाइट वॉश करने में पूरा पीछे से लेकर बाहर तक पूरे कमरे सब मतलब पीछे से लेकर बाहर तक वाइट वॉश करने में बहुत टाइम लगता है, तो पूरा वाइट वॉश होगा, उसके बाद से दरवाजे वगैरह पेंट होंगे, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और आज मैंने नवरात्र में वाला रेड कलर का सूट पहन लिया है मैंने, तो वो कैसा लग रहा है। और अभी थोड़ा सा मतलब वही है कि अभी करवा चौथ भी आ रहा है, तो करवा चौथ की भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो मतलब अच्छा है, नवरात्रे आते हैं तो फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, त्यौहार शुरू हो जाते हैं, त्यौहार में जैसा माहौल मिल जाता है, अच्छा लगता है, सब तरफ अच्छा अच्छा लगता है। और अभी सुबह से पूजा वगैरह तैयारी करने में लगी हुई थी, तो इसलिए अब नाश्ता बना रही हूँ, इन लोगों के लिए आलू प्याज के पराठे बना दूंगी, और अपने लिए थोड़े से मखाने और काजू भून लूंगी, तो और साथ में चाय बना लेंगे, तो यही नाश्ता हो जाएगा, और मेरा नाश्ता यही रहेगा, मखाने काजू और साथ में चाय ले लूँगी। और मेरी एक आंटी हैं, तो कहती हैं मतलब उनने मुझे बताया कि जब भी व्रत रखा करो तो कप में चाय मत पिया करो, गिलास में पी लिया करो, तो कप में चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन चाय तो असली कप में ही पीने से पता चलता है कि हाँ चाय पी है। इन लोगों के लिए वही है कि नाश्ता बना दिया है, नाश्ता कर लिया इन लोगों ने, तो चाय वाय पी लिया मैंने भी, और वही लेबर मजदूर लगे हैं तो बहुत ज़्यादा करने का भी नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब किचन में काम होता है, मेरा फास्ट है, मतलब मैं फर्स्ट डे और लास्ट डे फास्ट रखती हूँ, पूरे 9 दिन ही रखती हूँ, तो पहला और आखिरी फास्ट रखती हूँ, तो अभी वही है कि फास्ट में मतलब वही पूजा वगैरह करके, पूजा करके और सब, फिर मैंने चाय पी ली है, चाय और वही है मखाने वगैरह भुने थे तो वो सब कर लिए हैं, अभी चाय पी ली है, अभी चलते हैं बाकी और देखते हैं अभी घर में क्या काम चल रहा है। मेरा स्टैंड जो जिसमें मोबाइल लगा के मैं शूटिंग करती थी, तो वो स्टैंड मेरा टूट गया था, तो स्टैंड तो मैंने दूसरा ले लिया था, लेकिन इसमें जो मोबाइल लगाने वाला है ये सही नहीं है, ये पता नहीं कैसे इसमें रुकता ही नहीं है, मतलब इसका नट सही नहीं है, तो इसमें रुकता नहीं है, मोबाइल गिरने का डर लगा रहता है, मोबाइल गिर जाता है इसमें से, तो ये देखिए स्टैंड कितना अच्छा, स्टैंड तो मुझे बहुत अच्छा मिल गया, तो स्टैंड देखने में भी अच्छा लगता है,
और इसके लिए फिर मैंने वही मोबाइल टिकता नहीं है इसमें, तो मोबाइल लगाने के लिए मैंने ऑनलाइन मंगाया है दूसरा, तो ये दूसरा मैंने मंगाया ऑनलाइन, तो ये वाला सही है। इसमें इसकी ग्रिप अच्छी है, मतलब इसमें मोबाइल बिल्कुल अच्छे से पकड़ लेता है, तो मोबाइल मतलब सेफ है, इससे गिरेगा नहीं। तो ये सिर्फ मतलब वही मोबाइल होल्ड करने के लिए है इसमें। तो ये इसी में सेट हो जाएगा, इसी में इसको ये दे रखा है, इसमें टाइट कर देंगे तो इसमें सेट हो जाएगा। तो ये मेरा ये स्टैंड भी अच्छा है और ये मोबाइल होल्डर भी अच्छा मिल गया है, तो इसमें मतलब मोबाइल पकड़ने के लिए ग्रिप अच्छी है, तो मोबाइल होल्डर ये है, तो ये अच्छा मिल गया, तो मेरा अच्छा सेट बन जाएगा ये एक तरह से। और ये मैं लगा रही थी तो ये मेरे से लगा नहीं, तो थोड़ा सा काम अब इनके लिए छोड़ देते हैं, ये आएँगे तो ये लगा देंगे। और ये पीछे फर्श डलने का काम कंप्लीट हो गया है, पीछे का फर्श डल गया, दीवारें जो उठानी थी वो भी उठ गया है, लेकिन अभी मिस्त्री का काम पूरा नहीं हुआ है। अभी ये बाथरूम में जो है ना, मतलब बाथरूम में टाइल्सें लगा रहे हैं, तो अभी बाथरूम में टाइल्सें लग जाएं, उसके बाद से अभी इन लोगों का काम कंप्लीट हो, ये लोग बाहर निकलें घर से, तो उसके बाद से वाइट वाश का काम शुरू हो, तो वाइट वाश का काम शुरू होगा, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिन लग जाएंगे। तो अभी एक एक करके सब काम हो ही रहा है और पूरे घर का ऐसे मतलब हालत ख़राब हो जाती है काम कराने में ये सब, लेकिन एक बार सब कुछ काम हो जाता है तो वही खूबसूरती फिर निखर के आती है घर में, फिर सब अच्छा अच्छा सा लगता है, सब साफ़ सफाई हो जाती है, बिल्कुल बढ़िया सा लगता है। तो ये सब कुछ वाइट वाश हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा फिर। सोचा कि जब वाइट पास होने वाला है तो मैं पहले दीवारों को अपना खेल देता हूँ दीवारों से, फिर बाद में तो वाइट पास होके ठीक हो जाएगा। कुछ और ज्यादा खराब कर लो तब तो मजा भी आए वाइट पास कराने का, है ना। हाँ। इतने साफ साफ दीवारें कराने से क्या फायदा, अभी इस पे भी एक कील छोड़ दी ना। अभी शाम का टाइम हो रहा है और शाम को दोनों के लिए ना मैं मतलब डेली बनाना शेक बनाती हूँ, आदित्य और आरव के लिए, तो इन दोनों के लिए बनाना शेक बना रही हूँ और अपने दोनों के लिए चाय बना ले रही हूँ।
मैं चावल फ्राई कर देती हूँ, सिर्फ इन्हीं लोगों को खाना है क्योंकि मेरा तो फास्ट है। तो मैं अपने लिए देखूँगी अभी कुछ और बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज काट लिया है और दो लाल सूखी मिर्च ले ली है और ये थोड़े से शिमला मिर्च कटे हुए थे तो इसलिए मैंने ले लिया है, नहीं तो वैसे शिमला मिर्च नहीं डालती हूँ। और इसमें अभी थोड़ा सा ऑयल डाल के कढ़ाई में गर्म कर रहे हैं और इसमें थोड़ा सा एक चम्मच बटर डालेंगे, मतलब थोड़ा सा इससे बटरी टेस्ट आ जाता है। तो बटर डाल देंगे और इसको गर्म होने देते हैं, फिर इसमें मिर्च डाल देते हैं। ये थोड़ा सा मिर्च हो गया तो इसमें प्याज डाल के अच्छे से इसको भून लेते हैं। और फिर प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें शिमला मिर्च डाल के थोड़े से भुनने हैं। और जब मैं ये चावल फ्राई कर रही थी ना तो मुझे यही याद आया, एक मेरी ना बहुत प्यारी सी क्यूट सी सब्सक्राइबर्स हैं प्रांजलि दीक्षित, तो उनने कहा था कि मतलब उनकी फरमाइश है कि मैं फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूँ। तो ये फ्राइड राइस की रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ, फ्राइड राइस किसी दिन अच्छे से चाइनीज़ वाले फ्राइड राइस बनाऊँगी तो उस दिन शेयर करूँगी। अभी तो मतलब ये ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ, मतलब इसको आप इंडियन फ्राइड राइस बोल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं फटाफट से हमेशा चावल फ्राई कर देती हूँ, बचे हुए चावल रखे होते हैं तो वो भी मतलब फ्राई कर देते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं, तो सब पसंद से खा लेते हैं। प्याज और शिमला मिर्च इसमें अच्छे से भून गए हैं तो अब चावल डाल देते हैं इसमें, सारे चावल डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारे अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे और नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके और इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मतलब वो फ्राई करेंगे, 5 से 7 मिनट तक रखेंगे गैस पे। और अगर आप चाहें तो इसमें मटर वगैरह या अपनी पसंद की और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जिस टाइम पे हमने शिमला मिर्च डाला था उसी के साथ साथ और जो भी सब्जियाँ डालनी हो डाल सकते हैं। चावल अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब और इस राइस पे हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, ये ऑप्शनल है पर मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आता है इसलिए मैं ज़्यादातर हर चीज़ में बटर डालती हूँ। और इस फ्राइड राइस को हम दही या करी वाली सब्जी के साथ लगाएंगे तो इसका टेस्ट और ही बढ़ जाएगा, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और मेरा फास्ट है तो मैं अपने लिए थोड़े से मखाने और ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, मतलब अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इसको मैंने दूध ये अच्छे से पहले से ही बॉइल्ड होने को रख दिया है और इसमें डाल के इसको सारे मखाने और ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो इसको धीमी आँच पर अच्छे से उबलने देंगे और दूध जब बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, सारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसमें, गाढ़ा हो जाएगा तो ये हल्की सी मतलब खीर टाइप में बन जाएगी। तो आज का मेरा यही रहेगा डिनर, क्योंकि मेरे से सादा दूध पीने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो फिर मैं ऐसे ही बना ले रही हूँ अपने लिए। और आप लोग कैसे हैं बताते रहिए, स्माइल करते रहिए। और आप इस ब्लॉग का ही एंड करेंगे, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास आते रहें। अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखने हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते रहिएगा, बाय। सब्सक्राइब कर लीजिए, पूछो किया किया आपने, किया किया।
फ्रेंड्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता जी। लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। बाय बाय। अरे मैं तो छुप गया। बाय बाय।